एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स विंग। इस वीडियो के अंदर लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब हो जाए या हाफ काम कर रहा है, कभी दिक्कत कर रहा है, उसको कैसे ठीक करना है एकदम फ्री में, एक लैंप के मदद से इसको ड्राई करके। नॉर्मली मॉइस्चर जाने के कारण कोई भी की शॉर्ट हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम ऑकर्स होता है। इसको कैसे टेस्ट करना है एक सॉफ्टवेयर की मदद से और इसको कैसे रिपेयर करना है वो हम देखेंगे। ये हमारा एक डेल का 15 सीरीज का लैपटॉप है, इंस्पिरॉन 15 का, ये वाला मॉडल 300 सीरीज़ का। तो इसमें जो प्रॉब्लम है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हर वक्त तो नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल जब ज़्यादा काम करने के टाइम ये प्रॉब्लम होता है। ये एच वाला की शॉर्ट हो जाता है और ये आप एरो वाला की शॉर्ट होके रह जाता है। मतलब मैं कुछ भी नहीं करूँगा इस तरीके से एरो वाला की प्रेस होके रह जाता है। मतलब कोई एक या दो की शॉर्ट होने से पूरा कीबोर्ड काम नहीं करता है। तो इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड टेस्टर सर्च कर लेना है, कीबोर्ड टेस्टर का वेबसाइट ओपन कर लेना है, उसके बाद लॉन्च टेस्ट करना है, ये ऑनलाइन ही होता है। उसके बाद इस तरीके से आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी की को प्रेस करके टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ESC मैंने दबाया तो यहाँ पर ये दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी ये वाला स्विच और ये वाला स्विच आपको ऑटोमेटिकली मैं प्रेस नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, मैंने प्रेस किया ये वाला स्विच, लेकिन आपका ये वाला स्विच प्रेस हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखिए, ये वाला स्विच मैंने प्रेस ही नहीं किया अभी तक, ये वाला स्विच प्रेस हो गया। मतलब ये वाला स्विच के शॉर्टिंग होने की वजह से ही मेरा पूरा सिस्टम का शॉर्टिंग दिखा रहा है। मतलब पूरा कीबोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है, कभी काम कर रहा है, कभी ये न्यूमेरिक कीबोर्ड काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो आप इसको थोड़ा सा सनलाइट पे इस कीबोर्ड को दे सकते हैं, सनलाइट पे ठीक हो जाता है ज़्यादातर। मॉइस्चर जाने के कारण ये की शॉर्ट हो चुका है, इसकी को निकल के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी होता है सनलाइट पे इसको सूखना या एयर ब्लोअर से। तो इसको पहले कीबोर्ड को खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद पीछे की तरफ से कनेक्टर निकाल के और उसको हॉट एयर या धूप में देना पड़ेगा, वो भी मैं दिखाऊँगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है ये वाला की मैंने प्रेस ही नहीं किया, लेकिन अपने आप दब गया। तो इस तरीके से आपका कोई और की हो सकता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, कोई एक की ख़राब होता है, इसके वजह से पूरा कीबोर्ड ख़राब हो जाता है। तो आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप देख सकते हैं। बाकी देखिए, मैं अभी सब प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये सभी ठीक ठाक दिखा रहा है, लेकिन ये वाला जो है इसको मैं रिसेट करके आपको दिखाता हूँ। रिसेट कर दिया, अभी देखिए इसको मैंने प्रेस ही नहीं किया, ये सीट दबाया, ठीक है। उसके बाद ये बताइए, ये वाला मैंने दबाया ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये दब गया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, अभी ब्लैंक है, ये वाला की मैं दबा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला की नहीं दबा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे देखिए साउंड बढ़ने के साथ वो वाला की दब गया ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो इसको अच्छे से सुखाना है, ड्राई करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हो भी सकता है, 90% चांसेस हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। अगर आप जब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तभी अब इस हीट को दे, अगर एकदम फुल मॉइस्चर बैठ के ये शॉर्ट हो गया है उसके बाद आप करें तो ना हो सकता है। तो लेकिन जब पहले पहले आपको दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसको अगर इस तरीके से ड्राई कर लेंगे, ये ज़्यादातर मॉइस्चर एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, मॉइस्चर इसके अंदर घुस गया, इसका बटन शॉर्ट हो गया, क्योंकि इसका पैड जो वर्किंग है, दो प्लेट है, मतलब एकदम हाई सेंसिटिव होता है, रबर का प्लेट होता है, उसको दबाने पर दो कांटेक्ट हो जाता है, जो नॉर्मल एकदम कम करंट एक ड्रॉ करता है, कम करंट उससे ही डिटेक्ट कर लेता है। तो चलिए, मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको कैसे सुखाना है, ठीक है। मैं इसको आपको निकालने का तरीका बताता हूँ, आप चाहे तो लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्लिप मोड में डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे आपका लॉक दिखेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लॉक होता है, मतलब छोटा छोटा प्लास्टिक लॉक होता है, पीछे स्प्रिंग लगा हुआ होता है, इस तरफ दबाने से पीछे चला जाता है और कीबोर्ड अनलॉक हो जाता है। इस तरीके से चार लॉक है, तो ओपनर हो तो अच्छा हो, नहीं तो आप ट्वीजर के मदद से भी इसको प्रेस करना है, अंदर की तरफ डालना है और इस तरफ इसको उठाना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सावधानी के साथ करना है, ये धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉक को अंदर की तरफ डालना है और कीबोर्ड को उठाना है, ठीक है, इस तरीके से मैं उठा रहा हूँ।
इस तरीके से दो लॉक खुल गया और तीसरा चार या पांच लॉक होता है तो उसको आप निकाल लेना। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मेरा निकल गया ये। उसके बाद आपको यह पे जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड कनेक्टर, इसको आपको इस तरीके से उठाना है। इस तरीके से आपको इस कीबोर्ड कनेक्टर को उठाना है। उठाने के बाद ये खुल जाएगा, इस तरीके से फ्लेक्स केबल को निकाल देना है। ठीक है, तो हमारा ये कीबोर्ड निकल गया पूरी तरीके से। अब इसको आपको ड्राई करना है और आप चाहे तो बाकी का पीसीबी को थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं और इस कनेक्टर में थोड़ा सा थिनर देख सकते हैं, लेकिन मेनली प्रॉब्लम ये कीबोर्ड के अंदर मॉइस्चर जाने के कारण ही होता है। तो इसको मैं ड्राई करके आपको बताता हूँ, मतलब दिखाता हूँ बाद का वीडियो। दोस्तों कीबोर्ड को निकालने के बाद आपको इसको सुखाना है, मतलब इसमें मॉइस्चर जम जाता है उसको निकालना है। तो आप चाहे तो सनलाइट पे इसको रख सकते हैं, ज़्यादातर केस में ये रिपेयर हो जाता है सनलाइट पे रखने पर। या मैं यहाँ पे 200 वाट का लैंप का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो इससे भी हमारा काम बन जाएगा। जिस पोर्शन में आपको शॉर्टिंग दिख रहा है उस पोर्शन में आप लैंप को रखिए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लैंप को ऑन कर देते, तो चाहे तो आप थोड़ा सा ऊपर रखें तो अच्छा हो, प्रॉपरली सभी तरह सभी डायरेक्शन में हीट पहुँचे। इस लैंप से थोड़ा सा हल्का हीट निकलता है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको ऐसे ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं इसको ड्राई होने के लिए रख देता हूँ, जिस पोर्शन में डिस्टर्ब है। काफ़ी कुछ टाइम इधर भी रख के और इधर भी रख देना, प्रॉपरली सूख जाएगा। उसके बाद मैं आपको लैपटॉप में लगा के दिखाऊंगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं। को कुछ टाइम तक ही हीट करना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है। सबसे अच्छा होगा आप लाइट को थोड़ा हाइट में रख के अगर हीट करें, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हीट की वजह से की मेल्ट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा कीबोर्ड को थोड़ा सा हीट करते रहना है ऊपर से हल्का हल्का। ठीक है, पूरा कीबोर्ड को हीट करते रहना है, ज़्यादा हीट होने से की मेल्ट भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना है कि ज़्यादा हीट नहीं करना है। तो इसका हीटिंग हो गया ऑलमोस्ट, मैं इसको आपको कीबोर्ड को लगा के दिखाता हूँ कैसा काम कर रहा है। लगाने के लिए इसका जो कनेक्टर था जिस तरीके से, उस तरीके से आपको इसका कनेक्टर को प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कनेक्टर को मैं प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको रखना है और इसका कनेक्टर को इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से जैसा था वैसे ही फिर से आपको कनेक्शन करना है। इसको अंदर डाल देना है इस तरीके से, फ्लेक्स को अंदर डालना है हल्का सा और लॉक कर देना है। ठीक है, इसको एक हाथ से नहीं हो पा रहा है, मैं कैमरा को रख के करता हूँ। नहीं, इसको टाइट कर देना है इस तरीके से, इसको कनेक्ट लगा देना है और यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रेस करके इसको लॉक करते चलना है। ठीक है, इस तरीके से इसको लॉक। ये अभी इसको मैं टेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं नंबर दबाता हूँ, पासवर्ड जो है, तो हमारा इजीली ये काम कर रहा है। अभी मैं कीबोर्ड टेस्टर को एक बार ओपन कर लेता हूँ तो ये पता चलेगा। तो कीबोर्ड टेस्टर का ओपन कर लेंगे, सर्च करूँगा कीबोर्ड टेस्टर। कीबोर्ड टेस्टर ओपन करने के बाद हमको पता चलेगा। अभी इसको लॉन्च करिए। हाँ, तो अभी देखिए कोई भी की शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। अभी एस्केप दबाने पर एस्केप हो रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पे F1 दबा रहा हूँ, तो अभी देखिए F1 काम कर रहा है हमारा। यहाँ पे जो पहले यहाँ पे जो ये वाला ऑटोमेटिक काम कर रहा था वो अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाला तो हमारा ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं keyboardtester.com से, और कीबोर्ड को थोड़ा हल्का हीट करके सनलाइट पे सबसे बेस्ट होगा, आपको कोई की मेल्ट नहीं होगा। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एक की थोड़ा सा मेल्ट हो गया, इसलिए मैं उसको सेलोटेप से भी लगाया हूँ। पुराने कीबोर्ड से मैं खोल के उसको लगा दूंगा, एक ही की में थोड़ा सा दिक्कत हो चुका क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम हीट कर दिया था तो पीछे मेल्ट हो गया था। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वो कोई दिक्कत नहीं, पुराने मेरे पास कीबोर्ड है उससे मैं खोल के लगा दूंगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।